भाई साहब नीचे से पहाड़ों पे आ रहे बस लिटरली यार। वही तो कह रहे हो कि सीधे नीचे प्लेन से सीधे पहाड़ नैनीताल वाली सीधे आ गया मेरे को यहाँ से। वो लंगूर 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 बुई जैसा मुंह जैसा मुंह मेरी काला है क्या? कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस कट निकल चुके हैं वापस। गाड़ी चल रही है ये तो ही बहुत पीछे सब मस्त सा पहाड़ आया है बेहतरीन नजारे रोडों के। समय हुआ है 8 बजे। हम उम्मीद करते हैं कि शाम को मतलब रात 8 बजे तक हम गोवा पहुंच जाए। बाकी अभी बस चाय नाश्ते आप करेंगे तो आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप भी चाय पी लीजिए और फिर अपन मिलते हैं दोबारा से। छोटे छोटे पहाड़ ये बरसात में देखो झरने बहता हुआ यहाँ से पता नहीं दिख रहा होगा। देखो दीदी इतने बड़े बड़े आंसू। अरे यार मुंबई जा रहे हैं या पहाड़ पे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। गोवा जा रहे हैं कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। पूरा पहाड़ चढ़ा दिया लोगों ने ओ? क्या खा रही हो क्या खा रही हो क्या क्या खा रही हो? चाय से बिस्किट खा रही हो? अच्छा नाश्ता हो गया अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कोशिश ये है कि आज शाम तक पहुँच जाए क्योंकि रात में ड्राइव नहीं करनी है कल बहुत थक गया यार। बाकी बच्चों का मूड चेंज हो गया है विंटर से समर लुक में आ गए। बने रहो देखते हैं क्या होता है साथ में आगे आगे। फिलहाल तो रोड बहुत गंदी थी अभी थोड़ी देर पहले अच्छी मिली है। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी रही तो टाइम से पहुंच जाएंगे। कल की पैकिंग बहुत जल्दी जल्दी करी सामान भी नहीं पता है आधा तो रखा कहाँ है। वो देखो बच्चे वो रोई रही है तब से उठी है तब से। अभी एक बहुत मस्त स्टोरी हुई जब लोग नाश्ता करने लगे थे तो पोने नमकीन की डिमांड की नमकीन खाना है उसको भाई नमकीन मंगा दिया तो जो नाश्ता पॉइंट है उसने एक प्लेट में नमकीन लेके और उसको एक चम्मच लेके दे दिया। अब वो नमकीन पूरा तो खा नहीं पाई। अब जब मैंने उसको एक पॉलिथीन में डलवा लिया कि गाड़ी में खाते रहना तो अब मैडम को चम्मच भी चाहिए और वही वाली चाहिए जो उसके पास है। मतलब ऐसा और ये आंसू निकल रहे क्या वो क्या चाहिए क्या वो क्या चाहिए हाँ हाथ दिखाओ अपने।
हाँ बेटा, तो गाड़ी में ही तो बैठेंगे बेटा, अभी यही तो बैठे, सब लोग यही बैठे हैं। पो की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, एंजॉय करो। को सबको पता है क्या करना है, क्या करने के लिए आए, बताया है मैंने उसको, कोई नहीं पता। तो यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं अब थोड़ी देर, इतना बैठे बैठे गाड़ी में पैर दुख गए। ऑलमोस्ट 1200-1300 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो फिर बैठ ही रह जाएंगे। पहुंचते जरूर पैसे निकलने की थोड़ी समस्या थी, बाकी कोई इशू नहीं है, बढ़िया। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल आपसे सुबह मुलाकात होगी गोवा में एंट्री के साथ। कल का सफर बहुत अच्छा खूबसूरत होने वाला है, बाकी कल से तो आपको सब चीजें हम विजिट कराएंगे। ये हमारा 7th टाइम गोवा है, तो बस फर्स्ट टाइम हम कार से आ रहे हैं। बाकी गोवा बहुत बार घूमा हुआ है, कोई ऐसा खास नहीं है। एक बहुत ही बेकार सा वाहियात सा कमरा मिला है, रूम मिला है, हाईवे पे होटल था जहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से एक रूम वैकेंट मिला है, तो बस वहीं स्टे कर रहे हैं अभी और 4-5 घंटे सो के रात को 2 बज रहे हैं, 11:30 बज रहा है, सॉरी आई एम सॉरी।
तो बस 4-5 घंटे सो के जैसे ही मॉर्निंग की सुबह की पहली किरण निकलती है उसके साथ ही हम अपनी वापस आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल। इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये भी देखो थक गए हैं बहुत सारा। हालांकि सो के आए पूरे टाइम लेकिन थक गए हैं, गंदी से गुजर डाल के पड़ी है। बाय बाय कर।